एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विच कवर्स योर लेक्चर नंबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स लेक्चर्स हमारे इसके कंप्लीट हो गए हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो उसके लिए आपको मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जे के एस एस बी सुपरवाइजर एग्जाम नाम से वहाँ से जाके आप पुराने सारे लेक्चर्स देख सकते हैं फाइन एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ का पी चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ से आप वो जो सारे पी डी एफ्स टेस्ट सीरीज एंड डाउनलोड कर सकते हैं प्लस में वहाँ पे आपका जो यूनिट सिक्स है स्कीम्स वाला पार्ट वो भी डिफरेंट uh, पार्ट्स में वहाँ पे उनका पी डी एफ भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगी ठीक है पार्ट वन जो है ऑलरेडी अपलोड हो गया है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेकिन उससे पहले एक इम्पॉटेंट अनाउंसमेंट मुझे काफ़ी uh, आप लोगों के मेल भी आते हैं कॉमेंट्स भी आते हैं ठीक है मैसेजेस आती हैं कि क्या मैं बाकी पार्ट जो है सिलेबस का वो कवर करवाऊंगी या नहीं या मैं सिर्फ स्पेशलाइजेशन करवाऊंगी तो ई वॉज गोइंग थ्रू सिलेबस आपका जो यूनिट वन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके ट्वेंटी मार्क्स हैं एंड यूनिट टू के आपके यूनिट सिक्स के आपके सिक्सटी मार्क्स हैं दैट मीन्स आउट ऑफ वन ट्वेंटी जो एट्टी मार्क्स हैं आपके वो आपके यूनिट वन एंड यूनिट सिक्स के हैं तो मैंने सोचा है स्पेशलाइजेशन कवर करने के बाद या साथ साथ में ही मैं क्या करूँगी यूनिट वन जो है वो भी कवर करना शुरू कर दूँगी ठीक है तो यूनिट वन सीमिंगली ये काफ़ी सिंपल लगता होगा शायद स्टूडेंट्स को कि इसमें सिर्फ आठ चैप्टर्स आपको करने हैं बट एक्चुअली वो आठ चैप्टर्स नहीं है उसके अंदर आपको छः सात डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलेंगे इसमें आपको करंट अफेयर्स भी कवर करना है इसमें आपको हिस्ट्री भी कवर करना है ठीक है इसमें आपको पॉलिटी भी कवर करना है एंड आपको जोग्राफी भी कवर करना है एंड देन आपको जे एंड के कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी जो डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं सेपरेट टॉपिक्स वो भी अलग से कवर करने हैं तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं एक तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं तो मैं सोशियोलॉजी के साथ साथ ये वाला पार्ट भी आपका कवर करवाऊंगी तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस बस आपको सिर्फ़ एक काम करना है आपको इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है इन वीडियोस को जो मैं बनाती हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्योंकि आपके लिए ये वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मेरा जो कंप्लीट मोटिवेशन है वो आपके इस एंगेजमेंट से आता है कि आप कितना ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते हैं इन वीडियोज़ को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चाइल्ड राइट वुमेन राइट आपको आई होप क्लियर हो गया हो आज हमें पार्ट पढ़ना है चाइल्ड राइट का तो कल आपका यूनिट थर्ड जो है मोस्ट uh, रॉबली आपका uh, कल यूनिट थर्ड का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा चाइल्ड राइट्स का पार्ट वन आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ठीक है तो लेट्स गेट स्टार्टेड ये आपका हो गया वुमेन के रिलेटेड सारी बातें इंडियन राइट्स क्या है वुमेन को लेके वो भी कंप्लीट हो गए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से इज थे चाइल्ड राइट्स ठीक है चाइल्ड राइट नाम से क्लियर हो गया हम बच्चों के राइट्स के बारे में पे बात करने वाले हैं जैसे आप अभी तक हमने वुमेन राइट पढ़ा तो उसमें हम स्पेसिफिकली वुमेन राइट के बारे में बात करते थे तो चाइल्ड के बारे में पहले देखते हैं कि चाइल्ड हम बोलते किसको है अगर मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग पे पूछू तो हो सकता है आपको हमें अलग अलग आंसर्स मिलेंगे हो सकता है किसी को फोर्टीन uh, ईयर्स जो है लेस देन फोर्टीन ईयर्स वो लगता होगा कि अभी चाइल्ड कैटेगरी में फॉल करता है ठीक है या किसी को लगता होगा लेस देन एटीन ईयर्स जो है वो चाइल्ड कैटेगरी में फॉल करता है तो इस चीज को एक्चुअली कैसे डिफाइन किया गया है जो आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड है वो क्या कहता है कि चाइल्ड को डिफाइन किया गया है एज ए पर्सन बिलो द एज ऑफ एटीन ईयर्स ठीक है इट इज़ बिलीव दट द चिल्ड्रन दे आर द सिटीजन इन दियर ओन राइट उनको भी दे आर एंटाइटल टू द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन राइट दैट मीस जो भी आप ह्यूमन राइट्स की बातें करते हो वो सारे राइट्स आपको बच्चों को भी अवेलेबल कराने हैं लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हो सकता है कुछ राइट उनको डायरेक्टली नहीं मिलते हैं तो उस केस में क्या होता है उनके जो पेरेंट्स और गार्डियंस होते हैं वो वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन देअर बिहाफ जैसे हम पासपोर्ट जब बनाते हैं माइनर का पासपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पर हमें गार्डियन का कंजेंट चाहिए होता है ठीक है तो कुछ राइट्स आप उनको डायरेक्टली नहीं दे सकते जो डायरेक्टली नहीं दे सकते उसके लिए गार्डियन एंड जो उनके पेरेंट्स पेरेंट्स एंड गार्डियंस हैं वो क्या करते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं वो राइट ऑन बिहाफ ऑफ दे चिल्ड्रन जो यू एन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड है ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी है काफी इंपॉर्टेंट है ट्रीटी जब भी हम चाइल्ड राइट right के बारे में बात करते हैं ये जो ट्रीटी है ट्रीटी इज नथिंग बट योर अग्रीमेंट समझो एक म्यूचुअल अग्रीमेंट जिसपे ने अग्री किया होगा ठीक है ये जो ट्रीटी है ये बोलती है कुछ सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल हेल्थ एंड कल्चरल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है वो उनको हमें देने चाहिए ठीक है ये इस ट्रीटी में डिस्कस हुआ है एंड इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो चाइल्ड है एज एनी ह्यूमन बीइंग अंडर द एज ऑफ एटीन जैसे मैंने यहाँ का एटीन से कम जो भी इंसान होगा ह्यूमन बींग होगा उसको हम चाइल्ड कंसिडर करेंगे अनलेस कि जो एज ऑफ मेजोरिटी है इज अटेन्ड अर्लियर अंडर द नेशनल लेजिस्लेशन अब इसका क्या मतलब हुआ ये कन्वेंशन कहता है कोई भी चाइल्ड जब तक वो एटीन ईयर्स का ना हो जाए तब तक वो बच्चा है अनलेस आप जिस कंट्री में कंट्री के हो उसने एटीन से भी कम जो है वो एज स्पेसिफाई की होगी चाइल्ड के लिए ठीक है आप तो एटीन रख रह रहे हो ना तो हो सकता है लेकिन आप जिस कंट्री को बिलोंग करते हो वहाँ पे आपने 18 से कम एज रखी है चाइल्ड को डिफाइन करने के लिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ के लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग बिलो 14 इयर्स जो है बिलो फोर्टीन दैट इज योर लेस देन फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज उसको हम चाइल्ड कंसिडर करते हैं ठीक है और कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है ये यू एन सी आर सी जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है बिलो एटीन ईयर्स ठीक है तो ये दो टर्म्स याद रख लेना इनमें कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना ये दो एजेस याद रख लेना हमारी इंडिया की बिलो फोर्टीन है और यू एन सी आर सी ने बिलो एटीन कहा है तो जहाँ पे यू एन सी आर सी ने बिलो एटीन कहा है वहाँ पे उन्होंने क्लॉज खुद एड किया है अनलेस की जो एज है वो आपके नेशनल लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग खुद एक रेकमेंड की गई हो और हमारे नेशनल लेजिस्लेशन दैट इज ए इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो एज है बिलो एटीन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स जो है वो सारे बच्चों के लिए जरूरी हैं ठीक है टू इंश्योर uh, कि उनकी जो सर्वाइवल हो एंड लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन हो एंड कम से कम एक बेयर मिनिमम क्वालिटी जो कम से कम क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चों को मिलनी चाहिए वो उनको दी जाए ठीक है वो कम से कम क्वालिटी कहाँ से आती है इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स उनको मिलने चाहिए इन राइट्स में क्या आता है राइट टू फूड राइट टू क्लोदिंग शेल्टर मेडिकल केयर राइट टू एजुकेशन हेल्थ ये सारे राइट्स ठीक है इसमें लिस्ट इज एंडलेस इसमें हम जैसे राइट टू कल्चरल एक्टिविटीज़ रिक्रिएशन पर्पज़ वो एंटरटेनमेंट एन्जॉयमेंट बच्चों की वो वाले राइट right, तो वो सारे इसमें आते हैं उनको हम क्लब करते हैं तीन राइट्स में आपके इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो ई एस सी राइट्स हैं आपके ये इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोज लिंक है बिटवीन चिल्ड्रंस हेल्थ एंड पॉवर्टी अगर आप ये सारे राइट्स बच्चों को देते हो तो वो जो बच्चे होंगे वो काफी हेल्थी होंगे इस ये कैसे देखा गया है कि अगर आप पॉवर्टी रिडन स्टेट देखो या कोई गरीब कंट्री देखो पुअर कंट्री देखो वहां पे जो बच्चों की हेल्थ है वो भी बुरी कंडीशन में होगी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट भी वहां पे ज्यादा होगी ठीक है इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या हुआ इन्फेंट्स हम किन को बोलते हैं मैंने पहले भी वीडियोज में बात बताई है जीरो टू वन ईयर ऑफ एज वो आपके इन्फेंट्स होते हैं एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी होता है आपका डेथ रेट जो इन्फेंट्स की होती है तो वो कहाँ पे हाई होगी जिन जो कंट्रीज पुअर होती हैं तो पॉवर्टी का बच्चों को इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स ना देने का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बच्चों की हेल्थ के साथ भी इसीलिए हमें बच्चों को ये सारे राइट्स जो देना है वो जरूरी होता है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो है दे आर बेस्ड ऑन बेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल दैट मीन जब भी आप कोई राइट बच्चों के लिए बनाते हो आपको ये देखना है कि वो बच्चों के इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा बेहतर हो जो राइट्स आप बड़ों को दिमाग में रख के बनाते हो जिनसे बड़ों के लिए कोई स्कीम्स लेके आते हो लॉ लेके आते हो आप उससे मिलकर बच्चों के लिए नहीं लेके आ सकते आपको वहां पे बच्चों के इंटरेस्ट को क्या करना है प्रायोरिटी देनी है आगे देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वॉयलेन ऑफ चाइल्ड राइट तो इसमें हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड राइट्स को हम किन किन तरीकों से जो है वॉयलेट कर सकते हैं कैसे कैसे वॉयलेट किया गया है तो पहला है इसमें चाइल्ड लेबर जहां पे आप बच्चों को वैसे काम करवाते हो जो अभी उनकी एज को सूट नहीं करते हैं इनफैक्ट उस एज में काम करवाते हो जिस एज में उनसे काम करना जो है वो उनको सूट नहीं करता उनकी एज को ठीक है तो इनने एक आ, इंडिकेटर दिया हुआ है जैसे चार साल के बच्चों को आप काम कराओ चार से लेकर सत्रह साल के बच्चों को चार साल के बच्चों को आप कहाँ काम करवा सकते हो तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया रगलूम्स रग लूम्स होते हैं जहाँ पे कारपेट वीविंग होती है फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऐसे लकड़ी का फ्रेम जैसा होता है और उसमें धागों से ऐसे करके काम होता है तो कारपेट वीविंग का काम होता है तो उन्हें एग्जाम्पल दिए चाहे आप चार साल के बच्चे को रग लूम्स में काम करवाओ ठीक है या सत्रह साल के बच्चे को एक फैमिली फार्म में काम कराओ खेती बाड़ी करवाओ तो सारा किस में इंक्लूड हो जाएगा चाइल्ड लेबर में ठीक है लेकिन जब इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे सेवेंटीन ईयर्स नहीं आएगा यहाँ पे फोर्टीन आएगा ठीक है ये बात आपको याद रखनी है काफ़ी बच्चे जो होते हैं रूरल एरियाज़ में वो खेती करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं एज डोमेस्टिक हेल्प सिटीज़ में आते हैं आपके जैसे बच्चे बच्चे ट्रेड एंड सर्विस इन अर्बन एरियाज़ में होते हैं जैसे आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह में होते हैं होटल्स में होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे होते हैं कुछ मैनुफैक्चरिंग मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स में होते हैं जैसे ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज में आपको बच्चे मिलेंगे छोटे बच्चे उनको मैकेनिक बनाया होता है एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी आप बच्चों को काम करते हुए देखते हो तो ये सारा किस में आता है आपके चाइल्ड लेबर में आता है जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो चाइल्ड लेबर

या ऐसा कोई भी काम जो इंटरफेयर करेगा बच्चों के एजुकेशन में हार्मफुल होगा उनकी हेल्थ के लिए वो हेल्थ चाहे उनकी फिजिकल हो मेंटल हो स्पिरिचुअल हो मॉरल हो या सोशल डेवलपमेंट के लिए ठीक है तो ऐसा कोई भी काम जो उनको इन सब चीज़ों में क्या करेगा हार्म करेगा उनकी इन डेवलपमेंट्स डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स पर उनको हार्म करेगा चाहे वो फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो मेंटल डेवलपमेंट हो स्पिरिचुअल मॉरल सोशल डेवलपमेंट हो उनकी एजुकेशन में हार्म करेगा ठीक है ये सारा किस में इंक्लूड हो जाएगा आपके चाइल्ड लेबर में और सारा क्या होगा वायलेट करेगा उनके राइट्स को अब आ, पहले हमने चाइल्ड लेबर पढ़ा दूसरा देखते हैं बॉन्डेड लेबर ठीक है बॉन्डेड चाइल्ड लेबर जो है भी वर्स्ट फॉर्म ऑफ इसको कंसीडर किया जाता है ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन बॉन्डेड लेबर होता क्या है बेसिकली इसको बंधुआ मजदूर बोलते हैं हिंदी में अगर किसी के पेरेंट्स ने कहीं डेट, डेट लिया हुआ ठीक है कर्जा लिया हुआ है एंड वो कर्ज़ा पूरा नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है उसके पास ऑप्शन होता है वो अपने बच्चे को वहाँ रख देता है एज़ बॉन्डेड लेबर जब एक बच्चा बॉन्डेड लेबर किसी एक फैमिली के साथ या किसी एक इंसान के साथ रहना शुरू कर देता है तो बच्चा एज स्लेव बन जाता है उसका कोई ख़ुद का राइट नहीं होता है तो आप बोल सकते हो चाइल्ड लेबर का एक वर्स्ट फॉर्म है वर्स्ट मैनिफेस्टेशन है चाइल्ड लेबर की कि आप एक बच्चे से बंधुआ मजदूरी करवाओ ठीक है क्योंकि ऐसे में उनकी कोई से नहीं होगी अपनी वो उनका कोई राइट नहीं होगा वो स्लेव की तरह पीछे पीछे घूमते रहेंगे एंड जो काम उनसे बोला जाएगा वो काम उनको करना होगा बॉन्डेड लेबर को खत्म किया गया था बाय एक कन्वेंशन दैट इज कॉल्ड एज यू सप्लीमेंट्री कन्वेंशन ऑन दी एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी स्लेव ट्रेड एंड इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस सिमिलर टू स्लेवरी ये कब कन्वेंशन आया था 1956 में ठीक है बेसिकली कन्वेंशन पहले आया था स्लेवरी का बाद में इसमें बॉन्डेड लेबर जो है बॉन्डेड चाइल्ड लेबर वो भी एक्ट एड uh, किया गया था इसी वजह से इसको सप्लीमेंट्री कन्वेंशन बोला जाता है ठीक है तो 1956 में बॉन्डेड लेबर को यू ने आउट किया दैट मीन्स इस लॉ को खत्म किया है एबॉलिश किया है फिर थर्ड वन ये जो सेक्शल एक्सप्लॉयटेशन ये भी एक फॉर्म है एक्सप्लॉइट करना बच्चों को सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग आती है दैट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ चिल्ड्रन ठीक है बाइंग एंड सेलिंग प्रोस्टिट्यूशन के काम आप करवाते हो उनसे पोर्नोग्राफी करवाते हो आप पॉन वीडियोज़ जो है वो डार्क वेब पे एक बहुत बड़ा जो है वहाँ से आ, एक कैटेगरी है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो डार्क वेब पे चलती है ठीक है आपको डिटेल में नहीं जाना है बस मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों को आप किस तरीके से वॉयलेट कर सकते हो एंड सेक्स टूरिज्म सेक्स टूरिज्म इज आप कहीं वेकेशन पे चले गए एंड बच्चों को साथ ले लिया ऐसे सब काम करवाने के लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है इसको प्रोहिबिट किया गया है अंडर इंटरनेशनल लॉ एज बोथ प्रैक्टिस सिमिलर टू स्लेवरी क्योंकि इसको एज स्लेवरी कंसिडर किया जाता है चाइल्ड ट्राफिकिंग भी आप क्या करते हो बच्चे बच्चों की बाइंग एंड सेलिंग करते हो बाद में उनसे स्लेव के चाहे काम करवाओ चाहे उनसे भीख मंगवाओ जो मर्जी आप करवा सकते हो ठीक है तो इसको भी क्या किया गया है कम्पलीटली प्रोहिबिट किया गया है एंडका यू एन सी आर सी एन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड इसका आर्टिकल थर्टी फोर थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स जो है वो डील करता है विद्युअ अब सेक्शुअल एक्सप्लाइटेशन ऑफ चिल्ड्रन तो ये तीन आर्टिकल्स याद रख लेना आगे देखते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये भी एक तरीके की वॉयेशन है एक तो ऑलरेडी बच्चों को आप वॉयलेट कर रहे हो उस वॉयलेशन में भी सोचो आप गर्ल्स कितनी अनफॉर्चुनेट है उनको अलग तरीके से वॉयलेट किया जा रहा है क्योंकि एक तो वो चिल्ड्रन कैटेगरी की है इसलिए वॉयलेट हो रही है एंड देन वो गर्ल्स हैं वो इसलिए डबल वॉयलेशन का शिकार हो रही है तो चाइल्ड राइट टू तो गर्ल चाइल्ड राइट टू तो सर्वाइवल हेल्थ केयर न्यूट्रिशन एजुकेशन सोशल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शन इट हैज टू बी रिकोगनाइज एंड मेड अ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रियोरटी आपको क्यों लगता है जैसे लाडली बेटी स्कीम लाडली बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ठीक है ऐसी सारी स्कीम्स क्यों आती है क्योंकि क्या होता है यूजुअली अब चाहे सिटीज़ के हम एग्जांपल ना लें मोस्टली रूरल एरियाज़ में तो वहाँ पे गर्ल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है अगर इनफैक्ट मोर्टिलिटी भी देखें तो उसमें जो गर्ल चाइल्ड की डेथ्स है उसकी रेट हाई होती है क्योंकि उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है उनके एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है एक घर में अगर भाई और बहन दोनों हैं एंड पेरेंट्स एफोर्ड कर सकते हैं कम पढ़ाना और कम पैसे खर्च करना पढ़ाई पे तो वो लड़के की पढ़ाई पे खर्च करेंगे लड़की की पढ़ाई पे नहीं करेंगे क्योंकि हम इसी सोसाइटी से अभी आते हैं अभी सोसाइटी के बेसिक लेवल पे वो सारी चेंजेस नहीं आई हैं इसीलिए गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स ला के लेके आते हैं ताकि टेम्प्ट हो जाएँ पेरेंट्स ठीक है लड़कियों को भी आगे एनकरेज करने के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो भी वायलेशन में आएगा अब आगे देखते हैं जो यू एन के कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसको अप्रूव किया था आपके जनरल असेंबली ने जनरल असेंबली यू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑन ट्वेंटी नवंबर 1989 ठीक है कन्वेंशन रेकग्नाइज चाइल्ड द चाइल्ड एज सब्जेक्ट एंड गारंटीज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पार्टिसिपेशन इन मेकिंग डेजनस अफेक्टिंग देयर राइट्स ये क्या कहता है कन्वेंशन की बच्चों को भी राइट्स मिलने चाहिए अपनी ओपिनियंस वॉइस करने के लिए उनको फ्रीडम देना चाहिए बात करने के लिए ख़ुद को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीली एंड जो भी चीज़ उनको अफेक्ट करेगी उसका डेसीजन लेने के लिए उनकी भी बात सुननी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ रिलेटेड फैमिली लाइफ रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड इन सब चीज़ों के रिलेटेड एट्सेट्रा एट्सेट्रा इन सब चीज़ों के रिलेटेड अगर आप कोई भी डिसीजन लेके आओगे तो आपको बच्चों की बात सुनना भी ज़रूरी है ये इस कन्वेंशन में कहा गया है एंड यू ने कहा 1979 को एज द ईयर ऑफ चाइल्ड तो ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं कि ये कन्वेंशन कब आया था इसकी डेट्स आपको याद रखनी है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाए ये जो कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड क्योंकि आपके सिलेबस में ही चाइल्ड राइट डायरेक्टली लिखा हुआ है ठीक है और उस चाइल्ड राइट right का ये जो कन्वेंशन है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है तो इसके चार मेन पिलर्स हैं दैट इज़ राइट टू सर्वाइवल उनको हक है ज़िंदा रहने का राइट टू प्रोटेक्शन अब्यूज़ से इमोरल ट्रैफिकिंग से ठीक है पोर्नोग्राफी से इन सब चीज़ों से उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए राइट टू डेवलपमेंट कि उनकी सोशल मॉरल फ़िजिकल मेंटल सब डेवलपमेंट टाइम पे हो एंड राइट टू पार्टिसिपेशन मतलब वो फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ ख़ुद को वो पार्टिसिपेट कर पाएँ कल्चरल एक्टिविटीज़ में लेजर टाइम जो सबको कैटेगरी uh, के लोगों को मिलता है वो बच्चों को भी मिलना चाहिए अपनी हॉबीज़ परस्यू करने का उस चीज़ में पार्टिसिपेट

और इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप बना था ठीक है जो कॉन्स्टिट्यूट किया था डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मॉनिटर करने के लिए इस कन्वेंशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से काम हो रहा है कि नहीं उसको मॉनिटर करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने एक कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप ठीक है group, एक तो इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है अगर रेटिफाई की जगह आपको एक्सीडेड लिखा होगा कहीं पे तो उसका भी यही मतलब हुआ ठीक है कब उसने ये एक्सेशन जो है वो साइन किया था तो वो इलेवन डिसम्बर नाइनटीन प्लस इस कन्वेंशन के दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स थे कि वो कंट्रीज की मर्जी थी वो प्रोटोकॉल साइन करे या ना करे इंडिया ने सितंबर 2004 में उन दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स पे भी साइन किया है वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं पहला कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट ठीक है एंड सेकंड सेल ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो इन दोनों चीजों से बच्चों को बचाना है हमें इस प्रोटोकॉल पे भी जो वो प्रोटोकॉल जो था वो ऑप्शनल था ठीक है लेकिन इंडिया ने इन दो प्रोटोकॉल्स पे भी साइन किया है सितंबर 2004 में और इसको रेटिफाई किया था 11 दिसंबर 1992 में ये कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था रेटिफिकेशन वगैरह क्या होता है ठीक है इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं जो बेसिकली दो पार्टीज के बीच में अगर लड़ाई चल रही है एंड आपकी आर्म्ड लड़ाई है दैट मींस आप उसमें आर्म्स यूज कर रहे हो वेपन यूज कर रहे हो ठीक है जैसे रशिया का बोलो आप इन्वेजन ऑन यूक्रेन ठीक है ये काइंड ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इसको बोलेंगे एंड ये जो दो पार्टीज आपस में इन्वॉल्व होती हैं वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में इसमें एक पार्टी जो होती है वो आपकी स्टेट पार्टी होनी चाहिए मतलब वो एक एक पार्टी जो इन्वॉल्व होती है वो आपकी गवर्नमेंट भी होती है ठीक एंड दियर सेल ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड प्रॉन्स्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोनोग्राफी ये आपको पता है क्या होता है तो इन दो ऑप्शन प्रोटोकॉल को भी इंडिया ने साइन किया था सेप्टेम्बर टू में आगे देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पहले भी बोला ये क्या काम करता है बेसिकली जो भी लेबर रिलेटेड एक्टिविटीज आपकी वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती हैं उनके सारे राइट्स एंड पॉलिसीज उनको ओवरलुक करना कि जो आपके लेबर्स है उनको राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं वो किन कंडीशंस में काम कर रहे हैं ठीक है उनके लिए नई पॉलिसीज लेके आना वो सारा कौन ओवर लुक करता है आपका आई तो आई में चाइल्ड लेबर के बारे में भी बात हुई है वो उसका एक सब पार्ट आता है तो इसने लॉन्च किया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू फोकस करने के लिए अटेंशन के कि कितना ज्यादा ग्लोबली जो चाइल्ड लेबर है वो स्प्रेड हो रहा है ठीक एक तो ये है सेकेंड आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं बेसिकली ये डेवलप कौन करता है ये आपके डेवलप किए थे यूएन ने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2012 में ब्राजील रियोडिजनेरियो में ठीक है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं दरअसल इनका काम क्या होता है ये कुछ गोल्स सेटअप किए गए होते हैं उन गोल्स से क्या मिलता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कैसे वर्ल्ड में स्प्रेड होगी पॉवर्टी कैसे कम होगी इनक्वालिटी कैसे कम होगी एनवायरमेंट को कैसे हम बेटर करेंगे ठीक है इन सब चीज़ों को लेके कुछ गोल्स सेटअप होते हैं तो हमारे पास करेंटली सेवेंटीन ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जैसे जो आपका एस डी जी वन है वो पॉवर्टी को पॉवर्टी के रिलेटेड बात करता है आपका जो एस डी जी टू है वो जीरो हंगर मिटाने की मतलब जो भुखमरी वगैरह है उसको मिटाने की बात करता है तो जीरो हंगर तो आपके अब यहाँ कहने का क्या मकसद है चाइल्ड लेबर जो है वो आपके एट पॉइंट सेवन दैट मीन जो एट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका सेवन पार्ट मतलब उसका जो सब पार्ट है उसमें चाइल्ड लेबर की बात होती है एंड उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ या, ये याद रखनी है जो एट पॉइंट सेवन एस डी जी है वो कहते हैं चाइल्ड लेबर को खत्म करो बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इन ऑल इट्स फॉर्म्स तो उन्होंने कौन सा ईयर सेट किया था इसके लिए ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ठीक है और जो आपका एस डी जी एट है वो बेसिकली किसके बारे में बात करते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ तो उसका आपका सेवेंथ पार्ट है चाइल्ड लेबर को लेके वो कहता है कि चाइल्ड लेबर को हमें एंड करना था करना है बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इन ऑल फॉर्म्स फाइन तो आपको डायरेक्टली आएगी इसके सिलेबस में एसडीजी शायद नहीं है या करंट में हो सकता है कहीं पूछा जाए तो आप याद रख लेना 8.7 पॉइंट सेवन जो वो चाइल्ड लेबर को लेके है एंड एट जनरली आपके इकोनॉमिक रिलेटेड एंड डिसेंट वर्क एनवायरमेंट रिलेटेड ये बातें करता है फिर आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आई का वो है आई का कन्वेंशन नंबर दो आपको याद रखने वन थर्टी एट एंड वन एटी टू वन थर्टी एट क्या कहता है कि स्टेट पार्टीज जो है दैट मीन आपकी जो कंट्रीज है उनको प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन करनी है चाइल्ड लेबर की और एक मिनिमम एज सेट करना है जिसके नीचे कोई भी बच्चा जो होगा उस एज के नीचे वो हजारडस ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकता है एक्सेप्ट फॉर सम लाइट वर्क या आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस जो आपके सिनेमा वगैरह से रिलेटेड होते हैं ठीक है तो ये किस में बात की गई है प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर की और एक मिनिमम एज सेट करना आईएलओ के कन्वेंशन 138 में एंड आईएलओ के कन्वेंशन 182 में क्या बोला गया है कि कंट्रीज को इमीडिएट इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड मेजर्स लेने हैं एलिमिनेट करने के लिए वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर जो चाइल्ड लेबर के अंदर भी अलग कैटेगरीज होंगी उसका जो वर्स्ट फॉर्म है उसको आपको एलिमिनेट करना है एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी तो वर्स्ट फॉर्म को एलिमिनेट करना 182 एटी टू कन्वेंशन एंड वन थर्टी एट कन्वेंशन में प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन की धीरे धीरे आपको अपना एक गोल सेट करना है और वो अचीव करना है उसको एलिमिनेट करने के लिए और एक मिनिमम एज जो है सेट करनी है जिसके नीचे बच्चा कोई भी हजारडस एन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता है इसमें एक्सेप्शन दो चीजों की है एक लाइट वर्क एंड आपकी आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस ठीक है ये दो कन्वेंशन आप याद रख लेना और एक डिक्लेरेशन है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड ये CRC से पहले आया था बट इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग दैट मीनस अगर इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इसके अंडर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है वो कंट्री की अपनी मर्जी है वो फॉलो करे या ना करे फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें कही गई हैं आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल ट्वेंटी फोर अच्छा अभी फंडामेंटल राइट क्या होते हैं डीपीएसपी क्या होते हैं ये हम सारा पॉलिटी वाले सेक्शन में कवर करेंगे और इनके बीच में क्या डिफरेंस वगैरह होती है ठीक है यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो बस आर्टिकल देख लो आर्टिकल ट्वेंटी फोर कहता है कि कोई भी बच्चा चौदह साल से कम का एंगेज नहीं होगा किसी हजारडस एम्प्लॉयमेंट में ठीक है आर्टिकल फोर्टी फाइव कहते हैं राइट टू एजुकेशन की बात करता है पहले ये आपके डी पी एस पी का पार्ट था दैट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट था आर्टिकल फोर्टी फाइव बाद में इसको क्या किया गया था इसको फंडामेंटल राइट right बनाया गया था उसके लिए एक अमेंडमेंट लाई थी जिसको हम बोलते हैं एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू थाउजेंड एंड टू और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट right बनाया इसीलिए फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल ट्वेंटी वन है वो क्या है राइट टू लाइफ तो उसमें एक और चीज ऐड करी गई आर्टिकल ट्वेंटी वन ए जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई ठीक है और किस अमेंडमेंट से आया था अमेंडमेंट टू तो ये कुछ फैक्ट है डीपीएसपी right कौन कौन से चाइल्ड राइट right के बारे में बात करते हैं थर्टी नाइन ई एफ एंड फोर्टी फाइव जो हमने अभी देखा एजुकेशन को लेके है थर्टी नाइन ई कहता है कि जो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स है मेन एंड वुमेन है एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन है आर नॉट अब्यूज उनको अब्यूज़ ना किया जाए एंड सिटीजन को फोर्स ना किया जाए उनकी इकोनॉमिक हालात की वजह से काम करने के लिए ठीक है वो काम जो उनकी एज को और उनकी स्ट्रेंथ को सूट नहीं करता है कि अब आप बहुत गरीब हो आप चार पाँच साल के बच्चे को भेज देते हो कहीं पर एज मेड मेड सर्वेंट या मैन सर्वेंट काम करने के लिए इन चीज़ों को मना किया गया है ठीक है आर्टिकल थर्टी नाइन एफ क्या कहता है बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एंड पूरी फैसिलिटीज़ की वो भी एक हेल्थी मैनर में डेवलप हो सके और एक डिग्निफाइड लाइफ उनको भी मिले अगर आप बचपन से ही किसी और के घर में जाके बर्तन माजते हो कहाँ मिलेगी उसको डिग्निटी वैसे इंसान को कहाँ वो डिग्निफाइड लाइफ बड़े होके भी उसके अंदर वो कितना वो रह जाएगा ना कि मैं किसी के झूठे बर्तन माँजता था कहीं जाके एंड वो क्यों करता था क्योंकि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे तो कितनी बुरी चीज़ है इसको मना किया गया है लेकिन इसको डी पी एस पी बनाया है एंड फंडामेंटल राइट नहीं बनाया है इसका कोई रीजन है वो रीजन आपको पॉलिटी वाले चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे आर्टिकल फोर्टी फाइव इज योर एजुकेशन रिलेटेड फिर कुछ लॉज हैं चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए इसमें मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में दिया है आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो क्राइम्स ऑफ किडनैपिंग एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग ठीक है इसके लिए सेक्शन 363 ए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर किडनैपिंग ऑफ माइनर्स और उनको एम्प्लॉय करना फॉर बेगिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गर्ल्स फॉर प्रॉस्टिट्यूशन वो किस सेक्शन में आता है थ्री सिक्सटी थ्री एन थ्री सिक्सटी सिक्स ए डील्स विदर्सिंग ऑफ माइनर गर्ल्स उनको एक पार्ट ऑफ इंडिया से दूसरे पार्ट में भेज देना थ्री सिक्सटी सिक्स बी क्या कहता है उनको इंडिया कंट्री के बाहर भेज देना बिलो द एज ऑफ ट्वेंटी वन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ठीक है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है सेक्शन थ्री सिक्सटी सेवेंटी टू क्या uh, किसके लिए बनाता है पनिशेबल ऑफेंस स फॉर दर्पज ऑफ प्रॉस्टिट्यूशन है सेक्शन थ्री सेवनिश फॉर बाइंग माइनर्स फॉर दर्पज ऑफ प्रॉस्टिट्यूशन तो किस सेक्शन में को, कौन सा सेक्शन किस चीज को डील करता है ये भी आपको याद रखना है देखो अब ये थोड़ा इन डेप्थ डिटेल आ जाती है इसके आप आपको डिफरेंट सेक्शन चाइल्ड राइट पर पूछे ना पूछे ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही पता चलेगा बट देन आपको क्या मानना है आपको इस एग्जाम के लिए वैसे प्रिपेयर करना है कि एग्जाम इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बट यू गोइंग टू डू इट ठीक है क्योंकि आपने पढ़ा है आपको उस माइंड सेट के साथ प्रिपेयर करना है आपको ये नहीं प्रिपेयर करना है चलो ये कहाँ आएगा ये कहाँ आएगा बिकॉज यू नेवर नो एस एस बी कभी आपको यूपीएससी के लेवल का पेपर यूपीएससी में जो सेट होते हैं क्वेश्चन उस लेवल का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप फिर बाद में ये क्लेम नहीं कर सकते क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे आया ठीक है इसीलिए आपको प्रिपेयर करना है ऐसे माइंडसेट के साथ कि पेपर जो है इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट बट आपने पढ़ाई की है आपने करंट सर का सारा वीडियो देखा है एंड रिवाइज भी किया है यू आर गोइंग टू डू इट ठीक है ये आपका माइंड होना चाहिए

ठीक है सेक्शन थ्री सेवेंटी सिक्स ये बोलता है दैट अगर वो इंटरकोर्स जो है लड़की का कंजेंट हुआ फिर भी वो बाद में लड़कों पे रेप का केस जो है वो डाल सकती है क्योंकि इसमें कंजेंट वाला क्लॉज नहीं है वेदर इट इज डन विद और विदाउट कंजेंट इट वुड बी कंसिडर्ड एज रेप फिर हजबेंड जो गिल्टी हैं ऑफ रेप के इफ ही हैज सेक्शुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ अगर वो बिलो है एज ऑफ फोर्टीन फोर्टीन से कम एज की है तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज रेप अगर उसने अपनी वाइफ के साथ भी ये इंटरकोर्स किया है ठीक आगे देखते हैं हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर अब कुछ ही हमारे एक्ट्स बचे हुए हैं ठीक है एंड उसके बाद कुछ पॉलिसीज एंड कमीशन वगैरह हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो एज ए ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जब तक नया वीडियो आता है तब तक एंजॉय योर लाइफ बाय बाय